Panda. I got broads in Atlanta. Just to be in the family. Credit cards in the scammers. Getting the looks in the family. Legacy. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं, न्यूयॉर्क के अंदर मैच खेलेंगे, फिर कराची अरीना के अंदर खेलेंगे, फिर न्यूयॉर्क के अंदर खेलेंगे, मतलब तीन चार गेम प्ले करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करें आप लोगों ने। और यहाँ पर अभी हमारी टर्न है तो हमने फॉल कर ओके। और गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। आई होप आप जल्दी से जल्दी 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा दोगे। यार 1000 लाइक ज़्यादा नहीं होता, जो भी बंदा वीडियो देख रहा है बस लाइक कर दो। लाइक के बटन पर क्लिक करने से आपके कुछ भी ज़ाया नहीं होगा, बस आप 0.00001 एनर्जी आपकी यूज़ होगी। मजाक कर रहा हूँ यहाँ पर। लाइक आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर करना है। और यहाँ पर अभी हमारे ओपोनेंट की टर्न है और मुझे शक हो रहा है कि हमारा ओपोनेंट लूडबॉक्स से खेल रहा है, और वो तो चलो पता चल जाएगा। आप लोग भी इसकी शॉट्स पर थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको पता चल जाएगा ये लूडबॉक्स से खेल रहा है या रियल प्लेयर है आपको। तो ये शॉट आप चेक कर लें, अभी बाद में मुझे मत कहना कि तुम्हें खेलना नहीं आता, तभी तुम उसको लूडबॉक्स प्लेयर खोल रहे हो। सो गाइज, हमारा ओपोनेंट जो है उसकी 3 डिस्क अभी रहती थी, 6 डिस्क वो पोर्ट कर चुका है। न्यूयॉर्क के अंदर हम लोगों का मैच लगा हुआ है। सो आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं मैच विन कर पाऊंगा या नहीं विन कर पाऊंगा। तो ये यार इसका टाइम तो खत्म हो गया। अरे यार ये क्या है, मेरा 4G लगा हुआ है ऊपर। गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर मेरा 4G Mbps के अंदर मेरी स्पीड आ रही है, 4G ऊपर मेरा लगा हुआ है, लेकिन ये क्या चक्कर है यार। मैं यहाँ पर इसको रीट्राई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भाई 4G खड़ा हुआ है, गया नहीं है, मतलब नेटवर्क मेरा गया नहीं है, लेकिन अभी भी है। अच्छा गेम कनेक्ट, कंट्रोल कंट्रोल उदय। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि मतलब मेरा गेम दोबारा से कनेक्ट हो गया। तो यार ये आप लोगों ने मुझे बताना है, ये कोई ग्लिच है या कोई हैक है या कोई मतलब के कुछ तो है ना यार, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप खुद सब दिए मतलब कुछ भी चीज़ ऐसे तो नहीं हो सकती, कुछ तो है ना। यहाँ पर अभी हमारे ओपोनेंट की लास्ट डिस्क। गाइस हमारे ओपोनेंट ने बिल्कुल इजी सी सिंपल सी शॉट यहाँ पर मिस कर दी। और यहाँ पर गाइस अभी मैं यहाँ पर से खेलना हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉप लेफ्ट के अंदर हम लोग एक शॉट को पुट कर लेते हैं एक डिस्क को, और उसके बाद यहाँ पर फिर से टॉप लेफ्ट में मैं दूसरी को पोर्ट करता हूँ। और यहाँ पर गाइस मैं पोर्ट करने वाला हूँ तीसरी डिस्क को भी टॉप राइट के अंदर। और इसके अलावा मैं यहाँ पर अभी मैं बॉटम राइट में पोर्ट करने की सोच रहा हूँ। तो चलिए गाइस, मैं अपनी राइट वाली डिस्क को भी ओपन करना चाहता था, वो भी ओपन हो गई। अभी इस डिस्क को मैं इजीली पुट कर सकता हूँ, पहले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट शॉट बन जाती। तो इस तरीके से अभी गाइस मैं बॉटम राइट में मैं पोर्ट करूँगा, ऊपर वाली दोनों डिस्क अपनी पोजिशन आसानी से आ जाएंगी। कुछ इस तरीके से अभी दोनों बिल्कुल ईजी पोजिशन में आ गई हैं। तो क्या भाई, जब हम ईजी पोजिशन में ला सकते हैं तो डिफ़िकल्ट शॉट खेलने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें गाइस अभी मैं बॉटम राइट के अंदर इस वाली डिस्क को पोर्ट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर हमारा ओपनर भी सोच रहा होगा पता नहीं क्या, जो सोच उसकी मर्जी, हमें क्या कर। तो अभी लास्ट वाली डिस्क को मैं टॉप लेफ्ट में पोर्ट करके इजीली गाइस पहला मैच लूडबॉक्स प्लेयर के अगेंस्ट यहाँ पर विन कर चुका हूँ। पता नहीं क्या ग्लिच भी एक दो मरतबा बीच में आया, मेरा नेटवर्क चला नहीं, नेटवर्क मेरा था लेकिन गेम के अंदर एक हिसाब से मेरा चला गया था। और गाइज यहाँ पर अभी हम दूसरा मैच खेलेंगे कराची अरीना के अंदर, फिर तीसरा मैच हम न्यूयॉर्क के अंदर खेलेंगे। सो कराची अरीना में गेस्ट प्लेयर के साथ हमारा मैच लगा है फ्री स्टाइल के अंदर, और यहाँ पर हमारे गेस्ट प्लेयर की टर्न है यहाँ पर। और उसके बाद देखते हैं क्या हमारा यहाँ पर हमें चांस देता है या नहीं देता। उसने 2 डिस्क पोर्ट कर ली ब्लैक, और उसके बदले में उसको 20 पॉइंट्स मिल गए। और यहाँ पर ये अभी बॉटम लेफ्ट ये फॉल कर दिया इसने। ओके तो गाइज यहाँ पर आप मतलब जैसा देख सकते हैं हमें चांस मिल चुका है, तो भाई अभी तो हम ओपोनेंट को चांस नहीं देंगे, कोशिश करेंगे क्योंकि भाई हमारे हाथ में थोड़ी ये गेम है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अभी गाइज यहाँ पर अभी मैं शॉट लगाता हूँ टॉप लेफ्ट के अंदर, मुझे 20 पॉइंट्स मिल चुके हैं, मुझे यहाँ से 20 और मिल जाएंगे तो 40 पॉइंट्स हो जाएंगे। मैंने 2 डिस्क अभी तक पोर्ट किए। अभी गाइज टॉप राइट में यहाँ पर मैं पोर्ट करूँगा ब्लैक को, इससे मेरे पक्स ओपन होने चाहिए बाकी के। तो चलिए गाइज मेरे अच्छे खासे पक्स यहाँ पर ओपन हो गए। तो गाइज यहाँ पर मैं टॉप लेफ्ट के अंदर पहले शॉट लगाने की कोशिश करता हूँ।
टॉप लेफ्ट के बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ कहाँ पर मैं शॉट लगा सकता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे 70 पॉइंट्स हो चुके हैं। और गाइज अभी मेरे यहाँ पर से गाइज मैं टॉप लेफ्ट के अंदर यहाँ पर मैं पोर्ट कर लेता हूँ वाइट को, और उसके बाद दोबारा से मैं वाइट को पोर्ट करूँगा टॉप लेफ्ट के अंदर। इससे मेरे पक्स भी ओपन होने चाहिए, बाकी के जो इधर अटके हुए हैं वो भी ओपन हो जाएंगे, उम्मीद तो है ओपन होने चाहिए। तो बिल्कुल ओपन हो गए। सो गाइज अभी यहाँ पर से मैं पोर्ट कर लेता हूँ टॉप राइट के लिए, और मेरे 120 पॉइंट्स हो चुके हैं, बस मेरे 40 पॉइंट्स ऑलमोस्ट रहते हैं। और उसके लिए गाइज मैं यहाँ पर बॉटम लेफ्ट के अंदर पोर्ट करूँगा और मेरे और पक्स ओपन हो जाएंगे। भाई मेरे पक्स तो ओपन है, लेकिन भाई मैं फिर भी चाहता हूँ कि मेरे पक्स ओपन हो जाए, तो क्या कर सकते हैं अभी। तो चलिए गाइज यहाँ पर मेरे 150 पॉइंट्स हो चुके हैं, सिर्फ 10 पॉइंट्स रहते हैं। मैं ब्लैक को लगा कर भी इजीली मैच विन कर सकता हूँ, तो मैं कनेक्शन शॉट रेड के साथ खेलूँगा और इजीली मैं यहाँ पर से दूसरा मैच भी फ्री स्टाइल कराची अरेना के अंदर विन कर लूँगा। और गाइज यहाँ पर अभी आप जैसा कि देख सकते हैं हम लोग दोनों मैचेस विन कर चुके हैं। और गाइज यहाँ पर हम लोग तीसरा मैच न्यूयॉर्क के अंदर खेलने वाले हैं, और हमारे ओपनर की ट्रन चल रही है। उसने पांच डिस्क उसने अपनी पोर्ट कर दी, और यहाँ पर चले गाइज इसने दो दो डिस्क एक ही शॉट के अंदर पोर्ट कर दी, 7 डिस्क हो गए इसकी, और यहाँ पर इसके एक डिस्क जो है वो फंसी हुई है। तो कोई मसला नहीं है, देखेंगे क्या चक्कर है। तो ओके गाइज इसने अपनी डिस्क को और क्लोज कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे हिसाब से ये डिस्क नहीं जानी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये डिस्क यहाँ पर पोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अगर आप लोग कहते हैं कि पोर्ट कर पाएगा तो जल्दी से कमेंट करके बता दें, और वीडियो को यार जल्दी से लाइक कर देना है आप लोगों ने, क्योंकि भाई लाइक करने से पैसे नहीं मिलते, मैं कितनी बार बोलता हूँ। और हमारे ओपोनेंट ने शॉट भी मिस कर दी, भाई इस बात पर तो लाइक कर दो। और गाइस यहाँ पर से मैं टॉप राइट के लिए पोर्ट कर लेता हूँ। टॉप राइट में पोर्ट करने के बाद अभी मैं यहाँ पर टॉप लेफ्ट में पोर्ट करूँगा। मेरी यहाँ पर से कितनी डिस्कें, 3 डिस्क यहाँ पर मेरी पोर्ट हो गई। उसके बाद मैं फिर से टॉप लेफ्ट में टॉप वाली डिस्क को पोर्ट करूँगा, और मेरे ये जो दो पक्स अटके हुए हैं ये भी ओपन होने चाहिए थे बट नहीं हुए। चलो फिर से इसको डिस्क को बॉटम लेफ्ट में पोर्ट करेंगे और हम मेरे पक्स ओपन हो जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर गाइज मैं बॉटम लेफ्ट के लिए शॉट खेलने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कनेक्शन शॉट खेलने चाहता था बट नहीं। ओबे ये क्या था यार, मुझे कुछ समझ नहीं आया, कसम से बोल रहा हूँ यार। मतलब हमने अपने ही हाथों से अपनों को विन करा दिया। सो बस यार वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी से बताना है, और वीडियो आप देख रहे हैं अभी तक तो वीडियो को लाइक करके ही जाना है। सो बस यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।